भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर चले जाइए, कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, उसका दृश्य आपको देखने को मिलेगा। हेमंत बाबू, ये 350 करोड़ रुपया किसका है? धीरज साहू का है क्या? और जब एसबीआई के ऑफिसरों ने बाहर निकल इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा, गिनते गिनते हमारे मशीन गरम हो जाते थे। 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी खा गए, 40 करोड़ का शराब का घोटाला किया। भाई और बहनों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहकर जाता हूं, ये झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार अगर कहीं है तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। ये इतनी बड़ी सभा है, हजारों हजारों लोग रोड तक खड़े हैं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? बाकी के जीवन में देख पाओगे क्या? तो मैं आपको कहता हूं, कल भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर चले जाइए, कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, उसका दृश्य आपको देखने को मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं हेमंत जी को पूछना चाहता हूं, हेमंत बाबू, ये 350 करोड़ रुपया किसका है? धीरज साहू का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे संथाल के गरीब युवा और आदिवासी मां का रुपया ये लोग ऐंट कर ले गए, ऐंट कर ले गए हैं। झारखंड के कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 35 करोड़ नकदी मिली, 35 करोड़। और जब एसबीआई के ऑफिसरों ने बाहर निकल इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा, गिनते गिनते हमारे मशीन गरम हो जाते थे, मशीन गरम हो जाते। भाइयों बहनों, 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 600 करोड़ का जमीन घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी खा गए, 40 करोड़ का शराब का घोटाला किया। मुझे बताओ, एक घोटाले करने वाली सरकार मेरे आदिवासियों का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या?